सबसे पहले बता दें आपको कि जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है बिनांस, उसने इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीर एक्स को अक्वायर कर लिया है. अक्वायर किस अमाउंट पे किया गया है, कितना एक्विजिशन में पैसा लगा है, ये तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है. लेकिन इससे फायदा ये होगा कि जो वजीर एक्स के जो यूजर्स हैं वो अब बिनांस की प्लेटफॉर्म पे इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग कर पाएंगे. और ये ट्रेड जो है वो 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा. तो ये एक खबर थी. और दूसरी खबर ये है कि जो स्टूडेंट हाउसिंग स्टार्टअप है स्टैंडजा लिविंग, उसमें इन्वेस्ट किया है अमेरिकन बिलियनर और फिलैंथ्रोपिस्ट सैम जेल की इक्विटी इंटरनेशनल ने. इक्विटी इंटरनेशनल बेसिकली एक रियल एस्टेट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है और इसने अपना पैसा लगाया है. कितना पैसा लगाया है ये तो डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन स्टैंडजा लिविंग की ये सीरीज सी फंडिंग है जिसमें अब तक 50 मिलियन की डॉलर की फंडिंग जुटाई जा चुकी है. और इसमें जो दूसरे इन्वेस्टर हैं वो है फाल्कन एज कैपिटल. तो इस एक्विजिशन के बाद जो स्टैंजा लिविंग है सॉरी इस इन्वेस्टमेंट के बाद स्टैंजा लिविंग अपने जो फंड्स है उसको एक्सपेंशन के लिए यूज़ करेगी. जी फिलहाल बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद जैसे अलग-अलग शहर में स्टैंजा लिविंग मौजूद है. राइट.